अगर थोड़ा सा भी इधर के उधर हो जाता ना तो भाई अभी बैंड बजने वाली थी तुम्हारे भाई की। यार इधर ना एक गड्ढा है। और भाई व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर मोटो व्लॉग। ये रहा हमारा आकाश पवार, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय इन आवर कॉलेज। तो आज हम निकल रहे यार घूमने, इतने दिन बाद। ये हमारा सामान, कपड़े ऐसे सुखा रहे हम, बाहर बारिश का मौसम है। और चलते हैं, अभी देर नहीं करते, डायरेक्ट मिलते हैं अपनी बाइक पर। अपनी बाइक उधर पार्क करिए, अभी शूज़ पहन लेता हूँ और चलता हूँ। लो भाई, ये हम निकल गए यहाँ से। यार काफ़ी अंधेरा दिख रहा है यार। ओके बाबा, हम आते हैं। यार इतना हॉर्न बजा रहा है, ये मालूम है सामने से गाड़ी आ रही है। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू। ओके तो भाई, तुम्हारा भाई निकल गया है नई बाइक लेकर। भाई सामने का कुछ दिख नहीं दे रहा, क्योंकि यार ये हेलमेट का मेरा वाइजर पूरा स्मोक वाइजर है। और भाई वाइजर बंद करना नेसेसरी है, क्योंकि सामने से एक छोटे छोटे कीड़े बहुत आ रहे। अभी फटाफट हाईवे पर चलते हैं और आगे की बात हम आगे करेंगे। तो भाई आ गए हम अपने पेट्रोल पंप पे। और ये इधर अपने भाई लोग आसत। यू वे चल, रॉक करा है कुठने आता ट्रोल ने क्या बसनी चल वेल के दौड़े बगो के किते वेळ होते आलो रे। ओके भाई चले तो तित नाही की जागा ते हां तिकडून जाओ के बघ। तो भाई अपना चॉकलेट बॉय हमारे साथ है। अरे तो जाए ला शिवाय देऊ नको। आज अपना भाई है हमारे साथ, हमारे टीम का कैप्टन, वॉलीबॉल टीम का। यार बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा यार। ये रहा गौरी शंकर कॉलेज, और इधर से हम मारेंगे यू टर्न। ए भाई लेता क्या कुछ पर। ओके भाई, तो ये रहा पुणे बैंगलोर हाईवे, इस पर हम अपनी बाइक राइड कर रहे हैं। यार गाड़ी में पेट्रोल भरना है, हर बार का मेरी यही दिक्कत है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता। तो यार आज का ब्लॉग बहुत छोटा होगा शायद, सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, बहुत अंधेरा हो चुका है यार, विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा है। क्या मालूम आज का ब्लॉग कैसा होगा यार, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर ब्लॉग ठीक से नहीं हुआ तो उसे डायरेक्टली डिलीट करना पड़ता है। यार आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यार आप देख सकते हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ व्यूज आते हैं और उसमें से कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं अपने यूट्यूब फैमिली पे। लास्ट टाइम हम इधर ही गए थे पाचवाड़ की तरफ, अभी से टोलना के तक जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे। रूम पर वापस जाकर पढ़ाई करनी है। इधर से टोल गेट 1 किलोमीटर है और यस क्रॉस। ओ भाई इधर ट्रैफिक पुलिस रहते हैं यार, क्या पता आज है कि नहीं। पिछली बार बहुत बच गया था मैं। पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो वो व्लॉग ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। ये रहा टोल गेट, यार बहुत बड़ा है अपने लिए, इधर से जगह है। आगे से हम यू टर्न लेंगे। विंड नॉइस बहुत आ रही थी इसलिए मैंने माइक पर थोड़ी सी कवरिंग कर रखी है। प्लीज़ कमेंट में बताइए आवाज़ कैसे आ रही है अब। यार इधर लाइट्स नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और इस साइड है लेफ्ट साइड उत्तरडे, यार गांव का नाम भी बहुत अजीब है, उत्तरडे गांव है। ये सामने जो पुल दिख रहा है वहां तक जाएंगे और उसके सामने से हम यू टर्न मारेंगे कई जगह होगी तो। भाई साहब ये ना, ये व्यू बहुत अच्छा दिखता है यार। ये सामने से गाड़ी आ रही है देखो, और ये जो एरो दिख रहे बहुत अच्छा दिखता है यार। अगर आप ऐसे लाइव में देखते हैं ना तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये रहा डिवाइडर, यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। ओके इधर से लेंगे लेफ्ट और फिर से हाईवे पर जाएंगे। ओ भाई इधर ब्रेकर है नहीं, ये साइड से निकालेंगे हम।
साइड से निकालना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े बड़े गतिरोधक है ना यहाँ पर, पूछो ही मत। और यहाँ से लेंगे हम हाईवे पर गाड़ी। यहाँ पर एक डिवाइडर है, नहीं यार मुझे लगा शायद डिवाइडर है, ओ ये सामने रहा। तो भाई ये लो हम आ गए फिर से पुणे बैंगलोर हाईवे पर, और उस साइड था बैंगलोर पुणे हाईवे। यार थोड़ा जल्दी निकलना था मुझे, लेकिन देर हो गई यार। ये आ गए हम टोल नाके पे, और यार अभी बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था मेरा। यार कैसे कैसे लोग रहते ना, अभी बैंड बजने वाली थी तुम्हारे भाई की, लेकिन यार तुम्हारा भाई भी एकदम प्रो राइडर है, कंट्रोल कर ली इन वक्त पर गाड़ी। वीडियो में आपको दिखेगा कैसे बीच में आया था, लगभग हमारी गाड़ी 80 पे थी। ये मेरा हेलमेट भी ना हेलीकॉप्टर जैसे बजता है कभी कभी। इधर हम सामने पेट्रोल भरेंगे गाड़ी में अपने, और फिर से अपने रूम पर जाएंगे। भाई इधर एक स्टंट राइडर आता है ये पेट्रोल पंप के पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे अगर बात हुई तो वो भी ब्लॉक करेंगे जल्दी। और अभी इधर पेट्रोल भरेंगे और फिर से जाएंगे। और ये आ गए हम लिम में, इधर लेफ्ट साइड में लिम गांव है, इधर से हम यू टर्न ले लेंगे। ये सामने अपने एम्बुलेंस जा रही है 1033 इन केस ऑफ इमरजेंसी वो नीड होंगी एम्बुलेंस की सातारा में। और सभी लोग इधर ही है, अरे अपने सर को भी मिल लेंगे, हमारे सारे गैंग इधर ही रुकिए। भाई साहब अभी बहुत बड़ा पंगा हो जाता यार। भाई उधर अगर गाड़ी रोक लेता और उसको बोलता ना मैं, और कुछ हो जाता ना तो यार बहुत बड़ा पंगा हो जाता। और इधर ने भाई लोग भी इधर ही थे और सर भी इधर ही थे, बोले थे कॉल करना था तो सिर्फ मुझे, लेकिन नहीं यार अपने को पंगा नहीं चाहिए, हम तो एक सीधे साधे राइडर है, हम ऐसे छपरी राइडर नहीं जो लड़ाई करते और अपने मोटर ब्लॉक पर दिखाते। भाई इनोवा की क्रिस्टा की स्पीड तो आई थिंक 120 तो होगी। तो भाई हम इस ब्रिज पर जाएंगे अभी और आपको उधर से व्यू दिखाएंगे पूरे हाईवे का। यार बहुत बढ़िया हाईवे का व्यू आता है। और ये ले लिए हमने और इधर गाड़ी हम लगाते। सो भाई हम आ गए इस ब्रिज पर, और ये पीछे जो दिख रहा है पुणे बैंगलोर हाईवे, और यार बहुत बड़ा हाईवे ये दिखाता हूँ मैं आपको। सो लुक एट दिस गाइस, यार इतना बड़ा हाईवे है ये, और देख लो यार इधर 3 लेन है, इधर इधर के साइड में 2 लेन है, इस साइड 3 लेन और उधर के साइड 2 लेन। यार इतना बड़ा हाईवे है ये, और ये सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से भी जा रही है। सो निकलते हैं अभी यहाँ से। यार इधर ना एक गड्ढा है, इधर मेरा पैर फंस गया था अभी थोड़ी देर पहले आते वक्त। सो भाई लुक एट दिस, यार बहुत सुकून मिलता है यार यहाँ पर। कभी भी अगर मैं टेंशन में रहता हूँ ना तो इस हाईवे पर आ जाता हूँ। ओके तो फटाफट हम अपने गाड़ी पर बैठते और चलते यार यहाँ से, बहुत देर हो गए हम यहीं पर रुके हुए हैं। भाई यार अभी आते वक्त ना बैंड बज गई थी हमारी, अगर थोड़ा सा भी इधर के उधर हो जाता ना तो भाई। तो ये रही अपनी बाइक, और अभी चलते यहाँ से। चाबी किधर गई भाई साहब, ये रही, ये रहा अपना डोरेमोन। ओ चलते अभी यहाँ से जल्दी से, एक साइड में रुक कर हम थोड़े से फोटो लेंगे अपने बाइक के। ओके गाड़ी एक साइड जा रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद हवा नहीं है टायर में। और ये वो जगह है जहाँ पर हम बैठते हैं, जैसे ये मेरा भाई बैठा हुआ है। इकड़ा टोल ना केकड़ भाऊ, आता असला बेकार होता था ना दिंगा था। अभी टोल ना के पास येऊ लागलो, इकन असला क्रॉस केला म्हणजे इकडे तिकडे बघितलं ना, डायरेक्टच आलो भाऊ, डायरेक्टच हो डायरेक्ट गाडीवरच होत। अंटावाला लय कंट्रोल करी गाडी, नाहीतर होत असेनच। अक्षा थांबलो ना, अक्षाशिवाय द्यायला लागलं, थांबवलं असतं तर भाऊ म्हणे तर मॅटरच करत होत। टू व्हीलर वाल हो, अरे इकडे तिकडे बघितलं ना, डायरेक्टच रस्ता क्रॉस केला त्याने। तो भाई आपली गाडी इथं रुकाई आहे, अभी थोडी देर में निकलेंगे। यो भाई हम फिर से आ गए, और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले मोटो ब्लॉग को। राइड सेफ एंड स्टे सेफ।